दिस न्यूज बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौकछिया भागलपुर। नए सत्र के लिए नामांकन। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वर्षा से धरना स्थल हुआ पानी पानी, फिर भी पांचवें दिन जारी रहा धरना। इस्माइलपुर के चार स्थान व नौगछिया में एक स्थान पर फूका गया पुतला। सेवार्थ नौगछिया के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक दवा का किया गया वितरण। व्यवस्था के अभाव का डंडा खेलते हैं ट्रक मालिक। नौगछिया में नवासी संदिग्ध का जांच के लिए लिया गया सैंपल। नौगछिया में अपहृत लड़का लड़की बरामद। नारायणपुर में कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 40 लोगों का लिया गया सैंपल। मजदूरी करने गए कदवा के मजदूर 5 साल से हैं लापता। नौगछिया में राजद की बैठक आयोजित। सिने स्टार बिहारी सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन पर अंग सांस्कृतिक लोक मंच ने जताया शोक। नौगछिया के सोक्षा में पीपा पुल का संपर्क हुआ भंग। नौगछिया में सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक। अब खबर विस्तार से। वर्षा से धरना स्थल हुआ पानी पानी, फिर भी पांचवें दिन जारी रहा धरना। 5 दिनों से बांध निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं जिला परिषद विपिन मंडल। जल संसाधन विभाग नौगछिया कार्यालय के दिनों से अनवरत धरना पर बैठे विपिन मंडल की प्रशासन और विभाग ने किसी प्रकार की सुध नहीं ली है। दूसरी तरफ विपिन ने एक रिलीज जारी करते हुए कहा कि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। जब से जन्म लिया हूं, देखता हूं कि एक वर्ष में 3 माह पूरा इस्माइलपुर प्रखंड बाढ़ की त्रासदी झेलता है। हर वर्ष लोग आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले आते हैं। हर वर्ष इस्माइलपुर प्रखंड के लोग बाढ़ पीड़ित होकर मुआवजे की आशा में रहते हैं। कभी कोई पदाधिकारी आया तो समुचित मुआवजा मिल गया, कंजूस पदाधिकारी से पला पड़ा तो अधिकांश लोग बाढ़ के समय एक पेट खाकर या भूखे पेट गुजारा करते हैं। विपिन ने कहा कि यहाँ के लोगों को अच्छी जिंदगी चाहिए, खैरात में मिले मुआवजे का 2 दाना अनाज नहीं चाहिए। विपिन ने कहा कि यह लड़ाई अब आर पार की है, बाढ़ का पानी सर से ऊपर जा चुका है। इस्माइलपुर में 4 व नौगछिया में एक जगह पर फूका गया पुतला। 5 दिनों से धरना पर बैठे इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन मंडल की सुध ना तो स्थानीय प्रशासन ने ली है, ना ही जल संसाधन विभाग ने। इसके विरोध में इस्माइलपुर में 4 स्थानों पर और नौगछिया में 1 स्थान पर जल संसाधन विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया। पूर्वी भिट्ठा में सरपंच मीना देवी ने, अभिषेक गुप्ता और गुड्डू यादव ने मिलन चौक पर, मालपुर में मनीष कुमार के द्वारा और बाढ़ नियंत्रण कार्यालय में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजद के बबलू यादव के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और जल संसाधन के पदाधिकारियों का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने वालों लोगों ने कहा कि विपिन मंडल जनहित के कार्य को लेकर धरना पर हैं, वे सभी उनके साथ हैं, लेकिन विभाग का रवैया आहत करने वाला है। सभी जगहों पर चेतावनी दी गई है कि अगर उन लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो सोमवार को तालाबंदी की जाएगी। वहीं पूछे जाने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि वे विपिन से मिलने जा रहे हैं, जो भी कार्य होना है प्रक्रिया के तहत होना है। बांध निर्माण में जिन किसानों की जमीन जानी है उनकी सहमति चाहिए, जमीन देने के बाद मुआवजा मिलना है। ऐसी स्थिति में विपिन जैसे युवा नेता से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, वे लोग भी बांध निर्माण जल्द से जल्द करवाने के पक्ष में हैं। सेवार्थ नौगछिया के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक दवा वितरण अभियान। विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर कोरोना महामारी के बचाव हेतु सेवार्थ नौगछिया के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक L30 का वितरण भगवती स्थान परिसर राजेंद्र कॉलोनी में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पंचायत पार्षद प्रतिनिधि सह समाज सेवी मनीष सिंह एवं डॉक्टर अनंत विक्रम ने किया। व्यवस्था के अभाव का दंड झेलते हैं ट्रक मालिक। नौगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में रविवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा लिए गए ज्ञापक 1185/C का विरोध किया और चक्का जाम करने का निर्णय लिया। ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष DN सिंह ने कहा कि ट्रक ऑनर एसोसिएशन हमेशा से प्रशासन का पक्षधर रहा है, लेकिन प्रशासन एसोसिएशन की मांग को पूरा करे। एसोसिएशन की ओर से काटा और माइनिंग चलन की व्यवस्था करें, सड़क की मरम्मति करने की व्यवस्था करने की मांग की जाती है, लेकिन प्रशासन द्वारा मांगों को अनदेखा कर दिया जाता है। अपहृत लड़का लड़की बरामद। नौगछिया पुलिस ने रविवार को अपहृत लड़की को बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि अपहृत लड़की की मां ने नौगछिया थाने में मामले में
प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अररिया जिला के रानीगंज निवासी पंकज कुमार सहित अन्य को नामजद किया था। थाना अध्यक्ष ने बताया कि लड़की को नौगछिया एनएच 31 से बरामद किया गया है, जिसका 164 का बयान करवाया जाएगा। नवगछिया में नवासी संदिग्ध का जांच के लिए लिया गया सैंपल। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के कोरोना सेंटर मदन इलिया महिला महाविद्यालय में रविवार को नवासी संदिग्ध लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। जांच के लिए लिए गए सैंपल में गंगरा प्रखंड के 50 एवं नारायणपुर प्रखंड के 39 लोग शामिल हैं। नारायणपुर में कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 40 लोगों का सैंपल जांच में भेजा। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा और मोहनपुर में एक एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के दूसरे दिन रविवार को संपर्क में आए परिजन सहित अन्य 40 लोगों की सैंपलिंग जांच के लिए भेजा गया है। आशय की जानकारी पीएससी प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार विद्यार्थी ने दी। ने यूपी गया कदुआ का मजदूर 5 साल से लापता। कदुआ उपी क्षेत्र अंतर्गत जंगली टोला कदुआ निवासी झक्सू शर्मा के पुत्र हिसाबी शर्मा 5 साल से यूपी के मेरठ जिला अंतर्गत दुरालय थाना क्षेत्र के इख्तियारपुर गांव से लापता है। वह अपने गांव के ही कोयली शर्मा व मंटू शर्मा के साथ गन्ना की कटाई छीलने का काम करने गया था, जहां से लापता है। हिसाबी की मानसिक संतुलन भी ठीक ठाक है, वो अपनी भाषा में सब कुछ बोलचाल करते हैं। हिसाबी को एक भी पुत्र नहीं है, एक शादीशुदा बेटी है। पत्नी देव की देवी उर्फ मंजू 5 साल से अपने पति को खोजने हेतु भटक रही है, लेकिन कहीं से उनका अता पता नहीं चल पाया है। राजद की बैठक नवगछिया में आयोजित। राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया इकाई की बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान व संचालन जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने किया। बैठक में सभी प्रखंडों के बूथ लेवल की मजबूती, पर्यवेक्षक का मनोनयन, सभी प्रखंड में कार्यालय खोलने सहित पंचायत से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी अपने अपने घरों के मेन गेट पर पार्टी का झंडा लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं मौके पर बैठक में जिलाध्यक्ष प्रदेश नेत्री प्रतिमा सिन्हा, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, जिला उपाध्यक्ष रामविलास सिंह, महिला जिलाध्यक्ष अभिलाषा कुमारी, नौगछिया नगर अध्यक्ष तनवीर बाबा, हिमांशु यादव, गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे सहित कई अन्य उपस्थित थे। सिने स्टार बिहारी सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन पर अंग संस्कृति लोक मंच ने जताया शोक, कहा यह है दुर्भाग्यपूर्ण। फिल्म सिने स्टार सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रंगरा प्रखंड क्षेत्र के लोगों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। लोग इस घटना से काफी शोकाकुल हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की निधन पर अंग सांस्कृतिक लोक मंच डुमरिया के निर्देशक चंद्रशेखर सुमन और अध्यक्ष चंद्रहास मंडल ने कहा कि सिने स्टार और MS धोनी फिल्म के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत मलडीहा गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने कड़ी संघर्ष कर फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया था, जो लगातार ही मेहनत के बदौलत प्रसिद्धि हासिल कर रहे थे, परंतु जिंदगी के समस्याओं के सामने हार कर अपना जान गंवा देना यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री के लिए चिंताजनक है, साथ ही तमाम बिहार वासियों के लिए भी दुख भरी घटना है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक। चर्चित सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की निधन की खबर आते ही नौगछिया के कला प्रेमी काफी उदास हो गए। अंगिका के प्रथम ध्वनि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा आत्मविश्वास ने कहा कि सुशांत ने अपने प्रशंसकों को बहुत बड़ा धोखा दिया। वे यूथ आइकॉन थे, लेकिन इस तरह की घटना करने के बाद उनके पूर्व में किए गए कार्यों की तारीफ तो की जा सकती है, लेकिन उनका अंतिम कृत्य अनुकरणीय नहीं है वरन निंदनीय है। अभिनेता दिलीप आनंद ने कहा कि वे हर किरदार में ऐसे समा जाते थे जैसे अमुक व्यक्ति वही हों। लोक गायक संगीतकार चेतन परदेसी ने कहा कि कई फिल्मों की उम्मीद उन लोगों ने सुशांत से की थी, लेकिन लोगों का भरपूर मनोरंजन करने वाला यह शख्स कितने दर्द में था यह आज पता चला। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल, लोक गायक मिथुन महुआ, नगरा के रूपेश रूप सहित कई अन्य ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। पीपा पुल का संपर्क भंग। स्वच्छा रामनगर के पास कोसी नदी पर बना पीपा पुल का एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद रविवार को सुबह पुल ने नदी के दक्षिणी तट को छोड़ दिया है। पुल के संपर्क भंग हो जाने से इलाके के पशुपालक और किसान गहरी चिंता में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी पुल को जोड़े जाने की संभावना है, क्योंकि नदी का जलस्तर भी उच्चतम स्तर पर नहीं है।
बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर ओईमार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।